नमस्कार, मैं गीता और आप देख रहे हैं जन यात्रा टीवी। बुंदेलखंड के महोबा में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। खेत में कृषि कार्य कर रहे अधेड़ किसान को एक जहरीले सांप ने अपना शिकार बना लिया। सांप के काटते ही पीड़ित ने मौके पर ही सांप को पकड़कर मार डाला और उसे लेकर जिला अस्पताल इलाज के लिए पहुंच गया, जहां अस्पताल में तैनात स्वास्थ्य कर्मी यह नजारा देख हैरत में पड़ गया और किसान को इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया, जहाँ डॉक्टर उसका इलाज कर रहा है। दरअसल यह अजीबोगरीब हैरत में डालने वाला मामला महोबा जनपद के चरखारी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत बमरारा गांव का है, जहां रहने वाले 50 वर्षीय किसान रतन सिंह अपने खेत में कृषि कार्य कर रहा था। बताया जाता है कि इसी दरमियान तकरीबन 4.5 फीट लंबे काले सांप ने उसे काट लिया। सांप के काटते ही रतन सिंह सांप पर झपट पड़ा और उसे पकड़कर मौके पर ही मार डाला। इसके बाद वो सांप को लेकर अस्पताल के लिए चल पड़ा और परिवार के साथ सांप को लेकर सीधे महोबा जिला अस्पताल आया, जहां उसने डॉक्टर की टेबल पर सांप रखकर अपने इलाज की बात कही। वही पीड़ित के हाथ में सांप देख मौजूद स्वास्थ्य कर्मी हैरत में पड़ गए और अधेड़ किसान को इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कर उसका इलाज शुरू कर दिया। बताया जाता है कि सांप के काटते ही किसान ने सांप को मौके पर पकड़कर मार दिया और इलाज के लिए सांप को लेकर अस्पताल आया, जिसे देखकर हर कोई हैरत में पड़ गया। क्या नाम है भाई साहब? गोविंद सिंह। क्या घटना हुई, कैसे घायल? ये चाचा है हमारे, खेत में काम कर रहे थे, उसी समय सर्प ने काट लिया। जैसे काटा है तो काटने के बाद इन्हें सर्प को मारा और मार के सर्प को भी लेके आए। कहाँ लेके आए? अभी महोबा जिला अस्पताल। सर्प कहाँ है? सर्प यही है। लेकर के आए? जी, लेके आए। कैसी हालत बताई डॉक्टर? डॉक्टर ने अभी फिलहाल ठीक है स्थिति। हाँ, एक व्यक्ति आए हुए हैं जिन्हें स्नेक बाइट का केस है और फॉर्चुनेटली वो सांप को भी अपने साथ लाए हैं और उस व्यक्ति को जिन्हें काट रहा था सांप, उन्होंने खुद ही सांप को मार दिया और फिलहाल उनकी हालत तो स्थिर है, अभी अंडर ऑब्जर्वेशन है, ट्रीटमेंट चालू है। सांप कहाँ था? सांप अपने साथ लाए थे किसी बैग में भर के। मार दिया? हाँ, मरा हुआ। ऐसी देखते रहिए जन यात्रा टीवी।